प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे भाषण देंगे। प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ देर बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का संबोधन होगा। अपने भाषण में इमरान एक बार फिर कश्मीर का रोना रो सकते हैं, तो वहीं पीएम मोदी यूएन के मंच से पाकिस्तान को घेरते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आज संयुक्त राष्ट्र में संबोधन देना है। अपने संबोधन से पहले उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है और कहा है कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन संबोधन से पहले ही इमरान ने हथियार डाल दिए हैं और कहा है कि वो जानते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को चुनाव होने और नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के समर्थन में आ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की तरफ से निशाना बनाए जाने वाले शरद पवार विपक्ष के नए नेता हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से एक महीना पहले इस तरह की कार्रवाई राजनीतिक अवसरवाद की पुनरावृत्ति है। चुनाव आयोग ने असम में अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर लोगों को भी मतदान करने का अधिकार दिया है। हालांकि एनआरसी लिस्ट से बाहर रखे गए लोगों को मतदान का अधिकार तभी तक होगा जब तक नागरिक ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ फैसला ना सुना दे। चुनाव आयोग के मुताबिक नागरिक ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक वोटर लिस्ट में मौजूद हर एक मतदाता को वोट डालने का अधिकार होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का LRO खोज नहीं पाया है। नासा के मुताबिक विक्रम लैंडर को दोबारा अक्टूबर में खोजने की कोशिश की जाएगी। नासा LRO के वैज्ञानिकों ने बताया कि विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर गिरा था। 17 सितंबर को LRO ने उस इलाके के ऊपर से उड़ान भरी। CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत वाले विशेष मामलों के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर रखी गई थी। CBDT ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए डेडलाइन बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। कई तरह की पाबंदियां झेल रहे PMC बैंक के ग्राहकों को RBI से झटका लगा है। दरअसल RBI ने PMC बैंक से कैश निकालने की समय सीमा बढ़ाने पर स्पष्टीकरण जारी किया है। RBI ने कहा है कि 10,000 रुपए निकालने की सीमा वाला फैसला अंतिम नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर से ऐसा लगता है कि अब दुनिया को कुछ राहत मिल सकती है। चीन और अमेरिका उच्च स्तरीय वार्ता की तैयारी में जुट गए हैं। दोनों देशों ने अक्टूबर महीने में वाशिंगटन में 13वें दौर की चीन अमेरिका उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापारिक सलाह मशवरे पर चर्चा की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मसला उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है और अब पाकिस्तान के नेताओं को भी ये बात समझ में आ गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इमरान खान इस वक्त विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं।